हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर साबूदाना खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप साबूदाना अपने बच्चों को खिलाते हैं तो ये आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है और उनके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इस रेसिपी को आप केवल 4 से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे चम्मच साबूदाना लिया है। ये देखिए, मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल गया है। तो साबूदाना अगर पहले से ही भिगो कर रखेंगे तो खीर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए, और इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने स्टील की कढ़ाई रख दी है और इसमें हम सबसे पहले दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 ग्लास के लगभग हम कढ़ाई में दूध डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल दूध में भी हम खीर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है और इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना, जिसे हमने पहले से ही भिगो कर रख लिया था, और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। चम्मच हम इसमें लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो इसे हम पकने देंगे इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं, इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और साबूदाना भी यहाँ पर हल्का हल्का फूल गया है। इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, इसे हम डाल देते हैं कढ़ाई में। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो इसे तैयार करने का तरीका आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और अब इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो खीर को मैंने मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए और पका लिया है और ये हमारी हेल्दी और टेस्टी साबूदाना खीर बनकर तैयार हो चुकी है। सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पक गई हैं क्योंकि हमने पहले से ही साबूदाने को भिगो कर रख दिया था, तो बस हमें इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद आप इस खीर को अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर साबूदाने की खीर। और आप ये खीर अगर अपने बच्चों को बनाकर खिलाते हैं तो ये डाइजेस्ट भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी, साथ ही वज़न बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। और आप इसे 8 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को आराम से खिला सकते हैं, उनका पेट भी अच्छे से भर जाएगा और नींद भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।